हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही पॉपुलर हैप्पीटाइजर आज हम बनाने वाले हैं, जो बहुत ही सुपर क्रिस्पी होता है। आपने तो देख के ही पता कर लिया होगा कि मैं चिकन लॉलीपॉप के बारे में बात कर रही हूँ। ये इंडो चाइनीज कुजीन से आता है और इसे पार्टी मेनू में ऐड करना तो बनता ही है। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी शानदार रेसिपीज देख पाए। चलिए हम चिकन के लेग पीसेस को एक एक करके ले लेंगे। किस तरह से लॉलीपॉप बनाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। एक पीस हम ले लेंगे, इस तरह से हम एज में काट लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट होता है। इसको निकाल कर हम फैट को अलग कर लेंगे। इस तरह से काट कर इसको हम अलग कर लेंगे। अब हम नीचे के तरफ इस तरह से हम घुमा घुमा कर काट लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा कर हमने सारे नस को काट लिया है। जो भी बाहर नस दिख रहा है उसको हम अलग से काट कर निकाल देंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम नीचे की ओर कर लेंगे, तभी हड्डी से गोश्त अलग हो पाएगा। हंगोटे की मदद से इसको एकदम आराम से आप उल्टा कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से उल्टा करने के बाद देखिए, इसमें एक बारीक सा हड्डी होगा, वो हाथ में चुभ सकता है। उसको हमें बहुत ही केयरफुली से उसको तोड़कर हम अलग कर देंगे। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए हमारा लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर रख देंगे, फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। चलिए हम ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बोल में 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसको भी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 नींबू को भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक, 2 पिंच फूड कलर। अब मसालों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक एक पीस में हम अंदर बाहर अच्छे से मसाले को हम लगा लेंगे। सारे पीस को इसी तरह से हम लगा कर इसको साइड में रख देंगे।
अंदर बाहर हम अच्छे से मसाले को लगा लेंगे इस तरह से। एक या दो घंटा हम इसको ढककर मैरिनेट के लिए रख देंगे। मैंने दूसरे बाउल में 1/4 कटोरा कॉर्नफ्लावर ले लिया है। मैंने 4 पीस के लिए लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप कॉर्नफ्लावर का आटा ज़्यादा ले सकते हैं। 2 पिंच पेपर पाउडर, 2 पिंच नमक, हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम एक एक पीस को कोट कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से कॉर्नफ्लावर को लगा लेंगे। और हल्का सा हम इसको झटक कर रख देंगे। सारे पीस को इसी तरह से हम कोट कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि हमारा कलर ऊपर अच्छे से उठ कर आए। एक बोल में मैंने 2 अंडे को ले लिया है, 2 पिंच नमक, 2 पिंच पेपर पाउडर। अब हम इसको फेंट लेंगे। तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। हम तेल अच्छे से गरम कर लेंगे। अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। एक एक पीस को हम डिप कर इस तरह से डिप कर लेंगे। गरम तेल में डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। दूसरे पीस को भी इसी तरह से डिप कर हम इसको भी डाल देंगे। 7 से 8 मिनट हम दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई होने देंगे। इसको हम पलट लेंगे। आराम से पलटेंगे। अंदर हमारा चिकन अच्छे से गल जाना चाहिए। हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से स्ट्रेन कर निकाल लेंगे। बाहर हम 10 सेकेंड तक इसको रखेंगे। फिर हम 3 से 4 मिनट दोबारा हम गरम तेल में इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये हमारा चिकन अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे पीसेस को भी तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको भी अच्छे से स्ट्रेन कर निकाल लेंगे। 10 सेकेंड तक बाहर रख देंगे और दोबारा गर्म तेल में इसको क्रिस्पी होने तक 3 से 4 मिनट
फ्राई कर कर निकाल लेंगे। देखिए हमारा चिकन लॉलीपॉप कितना क्रिस्पी और यम्मी लग रहा है। चलिए हम इसको हल्का सा सजाकर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सिल्वर फॉइल को इस तरह से हम पीसेस में कट कर लेंगे और हम एक एक पीस को इस तरह से हम रैप कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पीसेस को रैप कर कर रख लेंगे। लग रहा है ना हमारा प्लेटिंग शानदार। अब हम इसको शेजवान सॉस के साथ गरम सर्व करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा एपेटाइजर है, नहीं तो आप इसे नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।